नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है नर्सिंग लाइब्रेरी। तो इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक फीमेल की लाइफ में। जो विमेन की एक रिप्रोडक्टिव एज होती है उसके दौरान एक विमेन को अपने रिप्रोडक्टिव एज में एक साइकिल से निकलना पड़ता है जिसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है कि ईच मंथ एवरी मंथ जो उसकी यूट्रस की मोस्ट इंटरनल लेयर होती है एंडोमेट्रियम वो शेड ऑफ होती है अगर वो प्रेग्नेंट नहीं हुई है तो इन द फॉर्म ऑफ द ब्लड। तो जो ब्लड होता है वो वजाइना के थ्रू आउट हो जाता है फ्रॉम द यूट्रस। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 डेज का एवरेज माना जाता है बट इसकी जो रेंज है वो 24 से लेके 35 डे तक होती है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें कौन कौन से फेजेस होते हैं, मींस फेजेस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। चार इसके फेज होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के। पहला होता है मेंस्ट्रुअल फेज जो कि फर्स्ट डे से लेके 5 डे तक रहता है। सेकंड होता है फॉलिकुलर फेज जो 1 दिन से 13 डेज तक काउंट करते हैं। थर्ड वन इज द ओवुलेशन फेज जो 14th डे पे होता है अगर हम लोग जो फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल है 28 डेज का ले रहे हैं तो उसका जो ओवुलेशन डे होगा ओवुलेशन फेस होगा वो 14वें दिन पे होगा। तो फोर्थ वन इज द ल्यूटियल फेस और जिसे हम सेक्रेटरी फेस भी कहते हैं वो होता है 15 दिन से लेके 28 डेज तक। तो ये है फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यहाँ पे पढ़ते हैं फर्स्ट फेज के बारे में, दैट इज द मेंस्ट्रुअल फेज जो फर्स्ट डे से 5th डेज तक का होता है, मतलब 1 से लेके 5 दिन तक जो एक फीमेल है जो विमेन है उसको ब्लीडिंग पर वजाइनल रहती है। तो इस फेज में क्या होता है कि जो उसका यूट्रस होता है उसकी जो मोस्ट इंटरनल लेयर होती है जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं वो शेड अप हो जाती है। तो इस टाइम पे बहुत सारे जो बॉडीली चेंजेस आते हैं एक फीमेल में इन 5 दिनों में। जो फीमेल है वो एब्डोमिनल क्रैम्प्स फील करती है। क्रैम्प्स क्यों आते हैं, क्योंकि जो उसका यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शंस आ रही है यूट्रस में तो उसकी वजह से उसको एब्डोमिनल क्रैम्प्स फील होते हैं। तो ये जो क्रैम्प्स है इसलिए आते हैं, जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस है इसलिए आती है क्योंकि यूट्रस ने जो उसका ये वाला वेस्ट सारा प्रोडक्ट है जो वेस्ट मटेरियल है मेंस्ट्रुअल जो फ्लूइड है उसको वजाइना के थ्रू एक्सपेल आउट करना है इसलिए जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है इस फेस में। तो जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है जो 1 से लेके 5 दिन का ब्लीडिंग पीरियड जो होगा इसमें पर वजाइनल ब्लीडिंग जो फीमेल में रहेगी तो उसमें हमें ये भी पता होना चाहिए कि ब्लड कितना लॉस होता है। 10 ml से लेके 80 ml तक जो हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं कि जे वाली जो लाइनिंग टूटती है इन द फॉर्म ऑफ द ब्लड तो वो 10 से लेके 80 ml तक जो ब्लड है वो लॉस होता है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेंस्ट्रुअल फेस में। तो इस टाइम पे जो एक फीमेल है उसको अपनी बॉडी को वेल नरिश्ड मतलब वेल हाइड्रेटेड रखना चाहिए क्योंकि इस टाइम पे उसकी बॉडी में से जो फ्लूइड लॉस हो रहा है ब्लड लॉस हो रहा है तो उसको कंपनसेट करने के लिए एक जो फीमेल है उसको अपनी डाइट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए और अपनी बॉडी को बिल्कुल हाइड्रेटेड रखना चाहिए। नेक्स्ट फेज आता है फॉलिकुलर फेज। जो फॉलिकुलर फेज होता है इसको हम फर्स्ट डे से लेके 13 डेज तक काउंट करते हैं फॉलिकुलर फेज में। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है कि बहुत सारे फॉलिकल्स जो हैं वो बनते हैं। तो जो फॉलिकल्स बनते हैं अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो फॉलिकल्स हैं उनको कौन बना रहा है। तो हमारा जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो हमारे ब्रेन में होता है वो क्या करता है, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है एंड LH ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है फॉलिकुलर फेस में। तो जो FSH है वो हमारी ओवरीज पे आके एक्ट करता है। FSH ने ओवरीज को कहना है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करे फॉलिकुलर्स की। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोलिफिकेशन होता है मींस बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होती है दोनों ओवरीज में किसकी, फॉलिकल्स की। कब से कब तक,
वन डे से लेके 13 दिन तक। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, 13वें दिन पे जाके ओनली यहाँ पे एक ही मेच्योर फॉलिकल बनेगा। बहुत सारे फॉलिकल्स वहां पे प्रोड्यूस तो होंगे ओवरी में, बट इनमें से ओनली एक ही जो फॉलिकल होगा वो मेच्योर होगा। तो जो फॉलिकल फेज है इसमें क्या है, प्रोसेस होता है कि बहुत सारे फॉलिकल्स जो होते हैं रिलीज होते हैं ओवरी में से, और क्या होता है ओनली एक ही मेच्योर फॉलिकल बनता है इन दिनों में, 1 से लेके 13 दिनों में। तो ये था फॉलिकुलर फेज के बारे में कि फॉलिकुलर फेज में क्या होता है। फॉलिकुलर फेज में सिर्फ फॉलिकल्स बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे, ओनली एक ही मेच्योर जो फॉलिकल और एक ही इनमें से मेच्योर स्टेट में जाएगा। नेक्स्ट आता है ओवुलेशन फेज, मींस 14th डे। अगर हम लोग जो फीमेल है उसका 28 डेज का साइकिल लेके चल रहे हैं, तो उसका जब 14वां दिन आता है तो उस दिन पे जाके ओवरी ने बहुत सारे फॉलिकल्स बनाए थे इन 13 दिनों में, तो यहाँ पे एक मेच्योर फॉलिकल बनता है। मेच्योर फॉलिकल बन गया तो यहाँ पे क्या है, पिट्यूटरी जो ग्लैंड है हमारा वो FSH भी रिलीज कर रहा था, प्लस LH ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन भी रिलीज कर रहा था। तो 14वें दिन पे जाके क्या होता है कि जो मेच्योर फॉलिकल है वो वर्स्ट हो जाता है। मेच्योर फॉलिकल क्या होगा, वर्स्ट हो जाएगा। वो वर्स्ट, उसको टूटने के लिए किसका हेल्प लगता है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन का हेल्प लगता है, जिसे हम LH सर्ज भी कहते हैं। कि 14वें दिन पे जाके जो LH जो हार्मोन है उसका जो लेवल है वो पीक पे होता है। उसके लेवल के पीक पे होने की वजह से जो मेच्योर फॉलिकल होता है वो टूट जाता है। फिर क्या होता है, उसमें से सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है ऑन द डे ऑफ 14th। जब ये सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है उस मेच्योर फॉलिकल में से, तो उस वाले दिन को हम लोग कहते हैं ओवुलेशन डे और ओवुलेशन फेज। यहाँ पे जब सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो जाता है मेच्योर फॉलिकल में से, तो फिर क्या होता है, वो ये जो फिम्ब्रियास हैं, ये जो फिम्ब्रियास हैं इसकी हेल्प से ओवरीज ने यहाँ पे रिलीज कर देना है उसको। ओवरी में से जो वो फिम्ब्रिया की हेल्प से कहाँ चला जाता है, जो सेकेंडरी ओसाइट है वो फैलोपियन ट्यूब में चला जाएगा। ठीक है, तो ये था ओवुलेशन फेज की ओवुलेशन कब होता है। द नेक्स्ट फेज इज द ल्यूटियल फेज, जिसे हम सेक्रेटरी फेज भी कहते हैं। ये वाला फेज 15 से 28 दिन का होता है। तो हमें पता है कि जब ओवुलेशन फेज आया था, ओवुलेटरी फेज आया था, तो यहाँ पे जो सेकेंडरी ओसाइट है वो रिलीज हो जाता है फ्रॉम द मेच्योर फॉलिकल। तो वो फिम्ब्रिया के हेल्प से वो कहाँ पे आ जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में, जो सेकेंडरी ओसाइट है। तो हमें पता भी होना चाहिए कि जो सेकेंडरी ओसाइट है वो रिलीज हुआ है जब ओवरी में से, तो उसका लाइफ स्पैन कितना होता है। 12 से 24 घंटे तक जो सेकेंडरी ओसाइट है वो जिंदा रह सकता है, उसके बाद क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो इस 12 से 24 घंटे के बीच अगर जब ये वाला जो सेकेंडरी ओसाइट है ट्रेवल कर रहा है फैलोपियन ट्यूब में, अगर यहाँ पे उसको, यहाँ पे अगर स्पर्म प्रेजेंट होंगे, या उस टाइम पे जो फीमेल है वो इंटीमेट होती है अपने पार्टनर से, या पहले से उसको स्पर्म यहाँ पे प्रेजेंट मिलते हैं, तो वो जो सेकेंडरी ओसाइट है वो फर्टिलाइज हो जाता है। तो उस फर्टिलाइज्ड एग को, जब स्पर्म और जो फीमेल का एग है सेकेंडरी ओसाइट जिसे हम कहते हैं, जब दोनों मिल जाते हैं, तो उस फर्टिलाइज एग को हम लोग कहते हैं ओबम। तो ये था एक सिनेरियो कि इसमें क्या हुआ कि वो फर्टिलाइज एग हो गया, दोनों स्पर्म और जो सेकेंडरी ओसाइट है वो मिल गए। तो दूसरे सिनेरियो की बात करें, अगर हम लोग ल्यूटियल फेस में क्या हुआ कि सेकेंडरी ओसाइट जो है वो रिलीज हुआ ओवरी से, वो फैलोपियन ट्यूब में चला गया, 12 से 24 घंटे तक उसे कोई स्पर्म नहीं मिला यहाँ पे, तो 12 से 24 घंटे के बाद वो जो सेकेंडरी ओसाइट है उसकी डेथ हो जाती है, वो
डेड हो जाता है। तो इस सिनेरियो में क्या हुआ कि जब उसको स्पर्म नहीं मिला इस सेकेंडरी ओसाइट को, तो 12 से 24 घंटे के बाद उसकी उस एग की उस सेकेंडरी ओसाइट की डेथ हो जाएगी। तो फिर क्या होता है यहाँ पे, अगर हम लोग बात करें तो 12 से 24 घंटे के बाद ये वाला जो सेकेंडरी ओसाइट था वो तो डेथ हो गई उसकी। तो यहाँ पे एक मैच्योर, अगर आप लोगों को याद है कि यहाँ पे एक मैच्योर जो फॉलिकल था 14वें दिन पे जाके जो बर्स्ट हुआ था, तो उसमें से सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकला था। तो जो रिमेनिंग पार्ट था, जैसे एक एग का शेल होता है ना, एग में से जो एक पार्ट होता है वो बाहर निकाल दें, तो एग का शेल जो होता है वो वाला एग शेल है, उसे हम एग शेल बोल सकते हैं, जो सेकेंडरी ओसाइट जिसमें से बाहर निकल के आया था। तो जो मैच्योर फॉलिकल की आउटर लेयर रहती है, जब बाहर वाली कवरिंग होती है, तो उसको कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ये वाला जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो किसकी प्रोडक्शन करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की। तो लार्ज अमाउंट में जो प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करेगा और साथ में ईस्ट्रोजन को भी रिलीज करता है। तो जो ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, इन हार्मोन्स ने क्या करना है, जो एंडोमेट्रियम लेयर ऑफ द यूट्रस है, उस लाइनिंग को जो एंडोमेट्रियम है, इस लाइनिंग को मोर नरिश करना है, मोर वैस्कुलर करना है। जो एंडोमेट्रियम लेयर है किसकी वजह से हो रही है, वो प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन की वजह से। क्यों करता है ये जो हार्मोन्स है इस लेयर को, क्यों रिच ऑफ वैस्कुलैरिटी कर रहे हैं, क्योंकि इन केस अगर जो सेकेंडरी ओसाइट था वो फर्टिलाइज हो जाता है, तो उस कंडीशन में जब ये फर्टिलाइज जो एग है जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे, जब वो 6वें से लेके 7वें दिन पे आके यहाँ पे अटैच होगा, तो उस ब्लास्टोसिस्ट को अटैच होने के लिए फुल नरिश्ड एनवायरनमेंट मिलता है। इसकी इम्प्लांटेशन के लिए ये वाले जो हार्मोन्स हैं एंडोमेट्रियम को थिक बनाते हैं, कि यहाँ पे सेफली जो ब्लास्टोसिस्ट है, जिसे हम फर्टिलाइज्ड एग कहेंगे, वो यहाँ पे इजिली आके चिपक सके एंडोमेट्रियम के साथ। तो इसलिए ये वाले जो हार्मोन्स हैं एंडोमेट्रियम को थिक और मोर वैस्कुलर बनाते हैं। तो दूसरे सिनेरियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सेकेंडरी ओसाइट फर्टिलाइज नहीं हुआ, उसकी डेथ हो गई। तो एंड ऑफ द साइकिल क्या होगा, जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो कॉर्पस एल्बिकन में कन्वर्ट हो जाता है, मींस वो भी डेड होना शुरू हो जाता है। हार्मोन्स की प्रोडक्शन भी जो है वो डिक्लाइन हो जाएगी, जिससे क्या है, जो ये एंडोमेट्रियम लेयर थी जिसको एनर्जी और वेस्कुलैरिटी कौन दे रहा था, हार्मोन्स दे रहे थे, तो उसकी वजह से अगर प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन इस लेयर को नहीं मिलेगा, तो ये वाली लेयर भी क्या है, ब्रेक डाउन हो जाएगी, शेड ऑफ हो जाएगी। 28th डे पे जाके ये वाली लेयर शेड ऑफ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हार्मोन्स का लेवल जो है वो डिक्रीज हो गया है। हार्मोन के लेवल डिक्रीज होने से जो लेयर है वो शेड ऑफ हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ द ब्लड, और थ्रू द वेजाइना जो है वो सारा ब्लड आउट हो जाएगा फ्रॉम द यूट्रस। ल्यूटरल फेज के बाद फिर से मेंसुरल फेज है वो स्टार्ट हो जाएगा इन द फीमेल। तो ये था मेंसुरल साइकिल के बारे में।